साथियों, विदर्भ की इस धरती पर आपका ये स्नेह, आपका ये आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपके इसी आशीर्वाद ने अच्छे अच्छों के हौसले पस्त कर दिए हैं। साथियों, ये हमारे शरद राव, शरद पवार, ये पवार साहब देश के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में से एक रहे हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वो कोई भी काम बिना सोचे विचारे कभी नहीं करते हैं। एक समय था जब वो सोचते थे कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अचानक एक दिन बोले, नहीं, मैं तो राज्यसभा में ही खुश हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। शरद पवार जी भी जानते हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। इस बार देश की जनता ने अच्छे अच्छों को मैदान छोड़ करके भगाया है, मतदान के पहले ही भगा दिया है। खैर, शरद राव की उनकी एक समस्या ये भी है कि एनसीपी में इस समय बहुत बड़ा पारिवारिक युद्ध चल रहा है। पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है और स्थिति ये है कि पवार साहब के भतीजे धीरे धीरे पार्टी पर कब्जा करने के लिए सोगटी बिछा रहे हैं। इसी वजह से एनसीपी को टिकट बंटवारे में भी दिक्कत आ रही है। पवार परिवार के लोग इसी बात पर माथा पच्ची कर रहे हैं कि कौन सी सीटों से लड़े और कहां छोड़ दें। इस वजह से दूसरों का धैर्य भी समाप्त हो रहा है। साथियों, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो छह छह महीने के लिए सोते हैं। छह महीने में कोई एक उठता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। पैसे की ये भूख मिटाने के लिए सिंचाई, स्टैंप, रियल एस्टेट, सड़क परियोजना, सरकारी टेंडर, जहां से बन पड़ता है, जैसे बन पड़ता है, करोड़ों अरबों रुपये होता है कि नहीं होता है, इतिहास गवाह है कि नहीं हुआ है। मत भूलिए, जब महाराष्ट्र का किसान अजीत पवार से बांधों में पानी के बारे में सवाल करने गया था तो उन्हें क्या जवाब मिला था, याद है ना? याद है ना क्या कहा था? यहां से मैं दोहरा सकता हूं, कोई फिर से बोल भी सकता है ऐसी भाषा? मत भूलिए, जब मावल के किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो पवार परिवार ने उन पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। साथियों, खुद एक किसान होने के बावजूद शरद पवार किसानों को भूल गए, उनकी चिंताओं को भूल गए। उनके कार्यकाल में ही कितने ही किसानों को खुद से खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पवार साहब ने कोई परवाह नहीं की। उनका ध्यान
किसानों की स्थिति पर ही नहीं था, अब आज पवार साहब को लोगों ने ही बोल्ड कर दिया है। उनके झूठ, उनके झूठे वायदों की पोल खुल चुकी है और वो खुद भतीजे के हाथों हिट विकेट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, शरद पवार द्वारा वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाने की वजह से ज्यादातर एनसीपी नेताओं को रिटायर्ड करने की कोशिश हो रही है ताकि उनका आसान रसाब हो जाए।